हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आजकल हम किस्मत के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं। हमें लगता है कि एक अच्छा सौदा मिलना, एक अच्छी छुट्टी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छे पैसे, ये सब मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है। यह वीडियो देखने के बाद आपकी किस्मत की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाएगी। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे भाग्यशाली लोग हैं और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इनकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दुनिया के ऐसे 5 लोग जिनकी किस्मत ने उनकी ज़िंदगी ही बदल डाली। नंबर 5, 5वें नंबर पर है जोआन आर गिंथर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लॉटरी जीतने की प्रोबेबिलिटी 200 मिलियन में एक है? सोचने की बात है दोस्तों कि वास्तव में आपको एक लॉटरी जीतने की तुलना में एक एस्टेरॉयड द्वारा मारे जाने की अधिक संभावना है। फिर भी आप जोआन आर गिंथर की स्थिति को कैसे समझाएंगे? उसने एक बार नहीं बल्कि 4 बार लॉटरी जीती। उसका जीवन बदल गया जब उसने पहली बार 5.4 मिलियन डॉलर की शानदार जीत हासिल की और फिर से 10 साल बाद 2 मिलियन डॉलर जीते। और यह इधर समाप्त नहीं हुआ, 2 साल बाद उसने फिर से 3 मिलियन डॉलर जीते और 2008 में 10 मिलियन डॉलर जीते। कुल मिलाकर जोआन ने 20 मिलियन डॉलर लॉटरी जीती, जो कि 150 करोड़ इंडियन रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, हो गई ना जान के हैरानी। नंबर 4, 4थे नंबर पर है सुतोमो यामागुची, जिन्होंने परमाणु विस्फोट को 2 बार चकमा दिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सुतोमो यामागुची मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री कंपनी में नौकरी करते थे। इनकी किस्मत तो देखिए दोस्तों, 1945 में जब वह पहली बार हिरोशिमा में काम करने के लिए यात्रा करने गए, तभी वह पहला परमाणु बम गिरा था। धमाके से घायल होने के बावजूद वह किसी तरह बच गए। वह जल्दी से अपने परिवार के पास नागासाकी लौट आए और 9 अगस्त को दूसरा परमाणु हमला। वह चमत्कारिक रूप से इससे भी बच गए। बाद में जीवन में यामागुची परमाणु हथियार के खिलाफ एक प्रमुख प्रस्ताव बन गए। एक बार खबर में यामागुची ने कहा, उनका परमाणु बम से नफरत करने का कारण यह है कि यह मानव की गरिमा के लिए बहुत बुरा है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, मैं यह नहीं समझ सकता कि दुनिया परमाणु बम की पीड़ा को क्यों नहीं समझ सकती है। वह इन हथियारों को कैसे विकसित कर सकते हैं? उन्होंने 1980 में परमाणु के संबंध में अपने अनुभवों के बारे में एक पुस्तक भी लिखी। मार्च 2009 में जापान ने आधिकारिक रूप से यामागुची को दोनों विस्फोटों की मान्यता दी। अब वह एकमात्र व्यक्ति हैं जिससे आधिकारिक रूप से 2 परमाणु बम विस्फोट के रूप में मान्यता प्राप्त है। यामागुची 93 साल तक मजे से जीवित रहे और उनका निधन 4 जनवरी 2010 को हो गया। नंबर 3, 3रे नंबर पर है बिल मॉर्गन। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिल मॉर्गन के लिए एक दुर्घटना तब हुई जब उनका एक्सीडेंट ट्रक के साथ हुआ, जिसमें उनकी कार बुरी तरह से कुचल गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसमें जिंदा बचने के कोई चांस नहीं थे। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह 14 मिनट से अधिक समय तक मरे हुए थे और तो और वह 12 दिन से कोमा में थे। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने उम्मीद खोकर उनका लाइफ सपोर्ट भी हटा दिया था। हैरानी की बात यह है कि वह इतनी मुसीबतों के बाद भी किसी तरह जीवित रहने में कामयाब रहे। दोस्तों, नया जीवन तो उनकी किस्मत के बदलने की एक शुरुआत थी। उसे मिली यह नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए उसने एक लॉटरी का स्क्रैच कार्ड खरीदा और उसमें 27,000 की कार जीती। उनकी अविश्वसनीय कहानी का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक स्थानीय समाचार चैनल ने उनकी किस्मत परखने के लिए एक और स्क्रैच कार्ड खरीदा और कहा कि आप इसे भी स्क्रैच कीजिए। जैसे ही उसने वह कार्ड स्क्रैच किया, किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया। उस स्क्रैच कार्ड में से वह 2.5 लाख का इनाम जीत गए।
तो दोस्तों, ये किस्मत का अनोखा खेल देखकर आप भी हो गए ना हैरान। नंबर टू, दूसरे नंबर पर आते हैं फ्रैंक सिलाक, जो एक बार नहीं बल्कि 7 बार भाग्यशाली रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले फ्रैंक सिलाक ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 7 बार आश्चर्यजनक बार से मौत को धोखा दिया है। सिलाक की मौत से बचने की घटनाओं की शुरुआत जनवरी 1962 में हुई थी, जब वह ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वह पटरी से उतर गई थी और एक ठंडी नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वहां के रहने वाले बस्ती के लोगों ने उसे किनारे पर खींच लिया, जबकि 17 अन्य यात्रियों की मौत हो गई। सिलाक को बस एक टूटी हुई बांह और हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ा। 1 साल बाद अपनी पहली और एकमात्र विमान की सवारी के दौरान फ्रैंक एक विमान के खराब दरवाजे के कारण झटके से विमान के बाहर गिर गए थे और उनकी अच्छी किस्मत के कारण वह घास के पहाड़ पर लैंड हुए। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 19 लोग मारे गए। 3 साल बाद 1966 में एक बस जो कि सड़क पर स्किड होकर नदी में जा गिरी, जिसमें से 4 यात्री डूब गए। सिलाक हालांकि केवल कुछ कट्स और खरोंचों के साथ तैरकर सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस आ गए। 2 साल बाद सिलाक अपने सबसे छोटे बेटे को बंदूक चलाना सिखा रहे थे। सिलाक को महसूस नहीं हुआ कि सुरक्षा ट्रिगर गलती से बंद हो गया था और किसी तरह उन्होंने गलती से अपने अंडकोश को गोली मार दी। सिलाक के अंडकोश को निकालना पड़ा, लेकिन वह सौभाग्य से फिर से बच गए। 1970 और 1973 में वह उन दुर्घटनाओं में शामिल हुए जहां की उनकी कार में आग लग गई और जले हुए बालों के अलावा सिलाक इस स्थिति में पूरी तरह से बाहर निकलने में कामयाब रहे फिर से। बाद में 1995 में जगरीब में सिलाक को एक बस ने टक्कर मार दी, लेकिन केवल मामूली चोटें ही आई। 1 साल बाद एक घाटी पर उनकी टक्कर यूनाइटेड नेशंस के ट्रक से हो गई। उन्होंने उस समय सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और जब वह टक्कर की वजह से दरवाज़ा खुला तो वह कार से गिर गए। सिलाक दरवाजे से निकलकर एक पेड़ पर लटक गए और उसने अपनी कार को लगभग 300 फीट नीचे एक खाई में गिरते देखा। आपको लगता है कि 7 बार भयानक मौत को धोखा देना सिलाक की अच्छी किस्मत साबित करने के लिए पर्याप्त होगा? लेकिन इसके अलावा अभी और भी कुछ उनके साथ हुआ जिससे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 2003 में अपने 73वें जन्मदिन के 2 दिन बाद फ्रैंक सिलाक ने क्रोशियाई नेशनल लॉटरी में $101 मिलियन की शानदार जीत हासिल की। उसने 2 घर और उसके साथ एक नाव भी खरीदी। $1.1 मिलियन और 7 बार मृत्यु के अनुभवों के बाद फ्रैंक सिलाक ने प्रभु को धन्यवाद किया। नंबर 1, पहले नंबर पर आते हैं फिडेल कास्ट्रो, वह आदमी जिसे मारा नहीं जा सकता। जब आपको अपने देश भर में लाखों लोगों से नफरत और प्यार किया जाता है तो केवल एक भी हत्या का प्रयास सोचने में बड़ा डरावना लगता है। लेकिन क्यूबा की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि फिडेल कास्ट्रो 630 हत्या के प्रयासों से बच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 630। उनकी हत्या की योजना बनाने वाले लोगों में मौजूद अमेरिका की CIA, कई माफिया सदस्यों और कई अन्य लोगों, यहाँ तक कि उनकी अपनी खुद की पत्नी भी शामिल थी। दोस्तों, आप यह जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि फिदल को कई तरह के जहर देने और उनके ऊपर किए गए विस्फोट से भी उनकी मौत नहीं हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह 5 भाग्यशाली लोग देखकर काफ़ी हैरानी हुई होगी। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका भाग्य इन लोगों से भी अच्छा हो। और दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि किस्मत से बढ़कर मेहनत भी एक चीज़ होती है। आखिरकार किस्मत के दरवाजे पर खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी चाबी आपके पास नहीं होती। इससे बेहतर है कि हम अपना दरवाज़ा खुद बना लें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी, जय हिंद, वंदे मातरम।